कैलाश टेंपल, औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड ये टेंपल बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये टेंपल को एक सिंगल रॉक को कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा चट्टान था जिसे कंस्ट्रक्ट करके इस एक टेंपल को बनाया गया है। और तो और ऐसा भी बताया जाता है कि इस टेंपल को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि उस ज़माने में इम्पॉसिबल था। मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो एक बहुत बड़ा चट्टान था एक जगह पे, जिसे बहुत सारे लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ कंस्ट्रक्ट कर करके एक टेंपल बना दिया। ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल से नहीं लग रहा है, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी। और आज के टाइम पे भी इस मंदिर को अगर ऐसा बनाया जाए तो भी ये इम्पॉसिबल ही होगा आज के टाइम के लिए भी, तो उस टाइम पे ऐसा कैसे किया गया होगा। इस टेंपल की सबसे अजीब बात तो ये है कि इस टेंपल को एक ही चट्टान को तोड़ तोड़ कर बनाया गया है। बाहर से इस टेंपल को बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा रॉक इस्तेमाल किया ही नहीं गया है, एक ही चट्टान को तोड़ तोड़ कर इस इतने बड़े टेंपल को खड़ा कर दिया गया। कैन यू इमेजिन डैट, ऐसा पॉसिबल है? अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई तुमने इस टेंपल के बारे में इतना कुछ बता दिया, अब ये भी बता दो कि इस टेंपल को एक्चुअल में बनाया कब गया था। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यही तो एक मिस्ट्री है कि किसी को ये पता ही नहीं है कि ये टेंपल कितना पुराना है और इसे एक्चुअल में बनाया कब गया था। रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद ये रॉक, जिस रॉक से इस टेंपल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो रॉक 6000 साल पुराना है। बट इस चट्टान से इस टेंपल को कब कंस्ट्रक्ट किया गया, ये टेंपल कितना पुराना है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कैलाश टेंपल के बारे में ऐसी ऐसी चौंका देने वाली बातों के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप सच में सोच में पड़ जाओगे कि इस टेंपल को एलियंस ने बनाया है या इंसानों ने बनाया है। तो यार, शुरू करते हैं आज का वीडियो भोलेनाथ का नाम लेकर। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार लगभग 4,00,000 टन ऑफ रॉक्स को इस जगह से हटाया गया होगा ताकि इस टेंपल को परफेक्टली बनाया जा सके। बट ये भी एक मिस्ट्री है कि वो सारे रॉक्स आखिर गए कहाँ, उन्हें डंप कहाँ किया गया, आखिर वो गायब कहाँ हो गए। 4,00,000 टन ऑफ रॉक्स वहाँ से अगर हटाया गया तो उन्हें कहीं तो यूज किया गया होगा, कहीं तो डंप किया गया होगा, ये कहाँ गए किसी को पता ही नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार इस टेंपल को 18 साल से भी कम टाइम में बनाया गया था। मतलब 4,00,000 टन ऑफ हैवी रॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था, वो भी नॉर्मल ऑर्डिनरी वेपन्स का यूज करके, इक्विपमेंट्स का यूज करके, जैसे कि हथौड़ी, छेनी, ये सब का यूज करके 4,00,000 टन ऑफ रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया गया। इस टेंपल को मात्र 18 साल में इतना सुंदर और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग नकाशियों के साथ बना दिया गया, ये कैसे पॉसिबल है? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि इस टेंपल में बकायदा बालकनीज, स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियां अलग अलग लेवल्स पे बनाई गई हैं। और तो और इस टेंपल में अंडरग्राउंड टनल्स हैं, ड्रेनेज है यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ताकि पानी को सेव किया जा सके, इतना कुछ बनाया गया है। अमेजिंग इजेंटेड। अब आप लोग जरा ये इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा चट्टान जिसे बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके एक टेंपल बना दिया, उसमें ये सारी सुविधा उपलब्ध है, यानी कि स्टेयरकेस भी है अलग अलग लेवल पे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तक है पानी को सेव करने के लिए। इसे बनाने में लोगों ने कितना मेहनत किया होगा और कितने सारे लोग इस टेंपल को बनाने के लिए काम करते रहे होंगे, और मैनेजमेंट का भी कितना ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा उस टाइम पे। और तो और लोगों का ये मानना है कि इस टेंपल को बनाने के लिए एक सिंगल चट्टान का ही यूज किया गया है, एक्स्ट्रा कोई भी चट्टान इसमें ऐड नहीं किया गया है, ये पूरा टेंपल एक बड़े चट्टान को ही कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है। ये थोड़ा इम्पॉसिबल से नहीं है उस जमाने के लिए? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इस जगह से रिलेटेड बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि क्या सच में उस जमाने में इंसान इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता था, जबकि आज के जमाने में भी ऐसा कुछ बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। और तो और लोगों का ये मानना है कि इस टेंपल को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर मुझे बताना। कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि उस टाइम में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना लगभग नामुमकिन होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आज के हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज भी कम पड़ेंगे। आज के हाईली एडवांस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज के मदद से भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने में जरूर किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ रहा होगा, इंसानों का नहीं, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना इंसानों के लिए आज भी इम्पॉसिबल है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने में एलियंस का हाथ था, इस चीज को प्रूफ करने में बहुत सारे लोगों ने कुछ लॉजिक दिए हैं, तो वन बाय वन मैं आपको उन लॉजिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एलियन का हाथ इसे बनाने में। पहला लॉजिक तो ये है कि एक इतना बड़ा रॉक या फिर चट्टान को खुदाई करके एक ब्यूटीफुल टेंपल में बदल दिया गया, वो भी एडवांस इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ और जटिल नकाशियों के साथ, जो कि इसके दीवारों पर साफ साफ दिखता है। 4,00,000 टन के रॉक्स को वहां से रिमूव करने के बाद वो भी सिर्फ 18 साल में टेंपल बन गया, ये पॉसिबल है? चलो मान भी लेते हैं कि इंसानों ने इतनी मेहनत के बाद इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना भी लिया, वो भी बिना एडवांस इक्विपमेंट्स के, कैसे?
पर चलो मान लो कि 7000 वर्कर्स रोबोट की तरह लगातार नॉनस्टॉप 18 साल तक काम करते रहे, वो भी बिना ब्रेक के। ये इम्पॉसिबल है, फिर भी थोड़ा मान लो, इमेजिन कर लो। फिर भी अगर उन्हें 400,000 टन ऑफ रॉक वहां से रिमूव करना पड़ा होगा, वो भी सिर्फ 18 साल में, तो उन्हें पर ईयर 22,222 टन ऑफ रॉक रिमूव करना पड़ा होगा, पर ईयर की बात है। और तो और उन्हें 60 टन रॉक पर डे और 5 टन रॉक पर आवर रिमूव करना पड़ा होगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ काम के बारे में बताया कि 400,000 टन को ऐसे ऐसे रिमूव करना पड़ेगा, और 400,000 टन ऑफ रॉक्स को ही रिमूव करने में इतना टाइम लगता। डिजाइनिंग, प्लानिंग और जो दीवारों पे नकाशा बनी है उनको प्लान करने के लिए अलग से ही टाइम लगता, फिर भी ये 18 साल में बन गया, कैसे? इट इज इम्पॉसिबल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वर्कर्स किस तरह से इतने सालों तक इन नकाशों को मैनेज करते रहे होंगे, वो भी सिर्फ हथौड़ा, छैनी और इस तरह के औजारों की मदद से। नंबर 2, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन अंडर दिस केव्स। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस टेंपल के अंदर जो पैसेजेस और जो अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं उनमें कुछ सिविलाइजेशन रहती है, यानी कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन। ये जो कैलाश टेंपल बना हुआ है ना, ये एलोरा केव नंबर 16 में बना हुआ है, और इन एलोरा केव्स के अंदर बहुत से डीप टनल्स और नैरो पैसेजेस बने हुए हैं। इन पैसेज को आप बाहर से तो देख सकते हो, लेकिन 10 फीट के बाद ये टनल्स और ये पैसेजेस इतने नैरो यानी कि छोटे हो जाते हैं कि इनके अंदर किसी इंसान का जाना नामुमकिन है। तो जरा सोचिए, जिस टनल और जिस पैसेज के अंदर इंसान जा नहीं सकता, उसे इंसानों ने बनाया कैसे था उस टाइम पे? वहाँ का जो केव गार्ड है वो ये बताता है कि एलोरा केव के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस टनल्स और केव्स बने हुए हैं जिसके अंदर जाना इंसानों का सख्त मना है, गवर्नमेंट ने उसे लॉक्ड करके रखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन टनल्स को क्यों बनाया जब खुद इंसान इस टनल के अंदर नहीं जा सकता, और क्या इन टनल्स के अंदर सच में कोई हिडन सिटी है, और क्या सच में कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन इन टनल्स के अंदर रहती है, और क्या सच में कैलाश टेंपल को एलियंस ने बनाया है? इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर अपनी राय देना। और तो और, कैलाश टेंपल ही एकमात्र ऐसा टेंपल है जो कि आप आसमान से भी नोटिस कर सकते हो महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर जो सर्कुलर डिजाइन और इसके टेरेस पे जो 4 लायंस के स्टैचूस रखे हुए हैं। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, साफ साफ ध्यान से देखो कि इस टेंपल के ऊपर एक्स मार्क जैसा कुछ बना हुआ है, जैसे कि ये किसी को सिग्नल देने के लिए बनाया गया है। इसकी टेरेस पे रखा हुआ ये सर्कुलर डिजाइन और ये 4 लायंस के स्टैचूस कुछ इस तरह से रखे हुए हैं अलाइन करके, जिसमें से ये एक्स मार्क जैसा दिखता है। अगर आप इसे आसमान से देखोगे, ऐसा लगता है ये किसी को सिग्नल देने के लिए बनाया गया है। डेट वॉज द रीजन कि लोगों का ये मानना है कि ये मार्क एलियन को सिग्नल देने के लिए बनाया गया है, और ये लोकेशन स्पॉट करने के लिए एलियंस ने बनाया है कुछ सालों पहले, ताकि वो यहाँ आए तो उन्हें पता चल जाए कि उनकी ये जगह है। कैलाश टेंपल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस टेंपल में से एक है, और इसकी मिस्ट्री अभी तक भी अनसुलझी है। आप क्या सोचते हो कैलाश टेंपल के बारे में, और क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस टेंपल को एलियंस ने बनाया है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ सही में बहुत मेहनत लग रही है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो और इस कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी तो चैनल थोड़ा डाउन होने लग गया था। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने नहीं किया है, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, मेक श्योर कमेंट ज़रूर करके जाना, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।